हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्डहाउस इंजीनियरिंग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग के लिए हम एक एस्टीमेट बनाते हैं, जो एस्टीमेट हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम इस सीट के माध्यम से देखेंगे कि हमें जो एस्टीमेट बनाना है वो किस तरीके से, मतलब उसका हम एक तरह से इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। बाकी जो बिल्डिंग का साइज रहेगा उस हिसाब से सभी अलग अलग बनते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है कि हम किस तरह से बना सकते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो सीधा हम वीडियो में चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसकी अगर आप चाहें तो ये सेम टू सेम कॉपी जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको फर्स्ट में VeerBuildhouse.com पे, वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगी। वहां से चाहें तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं इस चीज का। तो देखते हैं इसका कि हमें कैसा बनाना होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जो भी इंजीनियर है उसका नाम और जो भी लाइसेंस नंबर है वो इस कॉर्नर पे आ जाएंगे आपके, आप कर्सर पे देख सकते हैं। सेकेंड, मोबाइल नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर जो आपकी सीट है। अगर रिपोर्ट से यहाँ से चलते हैं तो एस्टीमेट शोइंग प्रपोज्ड बिल्डिंग बिलोंग टू उनका आ जाएगा कि किसके नाम पे है ये, जैसा कि हमने यहाँ पर लिए हैं शिव कुमार सूर्यवंशी, अनुप सूर्यवंशी, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ, जो भी है। इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि आपको लोकेशन में पूरा देना होता है कि मौजा क्या है, यानी कि आपका किस मौजा के अंतर्गत आ रहा है, यानी सिटी का जो एरिया होता है वो राजस्व निरीक्षण मंडल यानी RNM, राजस्व निरीक्षण मंडल आपका कौन सा है, जैसे कि आपका डेली हो सकता है, डेली वन, डेली टू, डेली थ्री का पार्ट कौन सा है। बंदोबस्त नंबर, यानी आपका जो बंदोबस्त नंबर आपके जो प्लाट होता है उसकी रजिस्ट्री के समय मिलता है वो यहाँ पर आ जाता है। पटवारी हल्का नंबर, यानी कि वो प्लाट पटवारी के कौन से हल्का नंबर में, जो कि कुछ बटे में आता है इस तरह से। खसरा नंबर है वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा कुछ बटे में। तहसील जो रहेगी आपकी एंड डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली, मुंबई, आपका जो भी रहे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जो एस्टिमेटेड अमाउंट है हमारा वो यहाँ पर आ जाएगा और उसका हम इस पे भी लिख देंगे कि कितना है वर्डिंग पे। उसके बाद रेट जो है हमारा, रेट हम कौन से मार्केट के रेट के हिसाब से डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, वो आपको लिखना होगा। और उसका जो प्रोविजन है वो आपको यहाँ दिखाना होगा फ्रेंड्स कि एस्टिमेट फॉर प्रपोज्ड बिल्डिंग का टोटल प्लॉट एरिया 660, उसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर एरिया इतना रहा है, उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर एरिया इतना, उस हिसाब से आपका टोटल एरिया इतना हुआ है, तो उस हिसाब से आपकी जो अमाउंट है वो इतनी जा रही है, तो होर्डिंग लाख 3000 रुपीज। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक सीट हो गई, जो कि अगर गवर्नमेंट में जाती है तो वहां पर वो इतना देख के अप्रूव कर देते हैं। बाकी जो आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा टोटल की जो क्लियरिफिकेशन, तो वो यहाँ पे आएगा आपका। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं सीधा कि कैसे होगा। तो इसके लिए हमारा बिलोंगिंग को हमने डाल दिए हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट रहेगा कि एक्सकवेशन इन टाइप ऑफ आर टाइप ऑफ सॉइल फॉर आर टाइप फाउंडेशंस, ड्रेन्स वगैरह जो भी रहता है उसका आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देना है आइटम का। और ये भी लिखना है आपको कि कितने मीटर तक एक्सकवेशन जो है आपका हो रहा है, स्टेप अप टू लीड एंड लिफ्ट अप टू कितना, उस हिसाब से आपके रेट तय होते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा दूरी तक आपको लिफ्ट करना है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। जितना भी आपका हो रहा, उस 10 नंबर लिए हमने यहाँ पर। लेंथ जो है 2.5 मीटर, मीटर, फीट, सेंटीमीटर, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यूनिट का कोई भी इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर मीटर में ले रहे हैं 2.5 मीटर। आपका जो ब्रेथ है वो हो गई फ्रेंड्स 2 मीटर एंड डेप्थ या हाइट 3.1 मीटर। टोटल आपका क्वांटिटी आ जाता है इनका कैलकुलेशन करने पे 155 यानी 155 क्यूबिक मीटर। इसका रेट रहेगा हमारा 185, उस हिसाब से हमारा ये अमाउंट निकल के आ जाएगा 28675। इसी तरह से हम चलते हैं सेकंड पे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि ये आप सीट वहां से देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक दिया हूं वहां से, इस कारण आप इसको थोड़ा जल्दी समझ लें, ये नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां पर हमें
फिल्म के लिए जो फीलिंग कर रहे हैं क्रस मुरम सैंड वगैरह जो भी करते हैं हम, उसका यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा कितने नंबर कर रहे हैं, उसकी विड्थ, उसका टोटल हमारा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको कि आप अगर कौन सी चीज स्क्वायर फीट में लेना है और कौन सी क्यूबिक मीटर में लेना है, यानी कि क्यूबिक फीट स्क्वायर फीट या फिर क्यूबिक मीटर स्क्वायर मीटर, ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन बिगड़ सकती है। यहाँ पे ये आपका यहाँ पर अमाउंट आ जा रहा है। थर्ड में आपका लेयर, मैकेनिकली हम जो सीमेंट वगैरह कॉन्क्रीट का दे रहे हैं फाउंडेशन में, वो नॉर्मल हमारा जो एग्रीगेट का साइज रहेगा और फाउंडेशन के लिए जो प्लिंथ रहेगा उसका कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगा कि हम कौन से रेशो का मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 10 नंबर 1 नंबर यहाँ पर हमारी लेंथ विड्थ हाइट के हिसाब से ये आपका कैलकुलेशन आ जाता है। ये इन तीनों का मतलब सभी का, क्योंकि ये एक ही में हो रहा है लेकिन ये पार्ट है अलग अलग, तो उस हिसाब से आपका ये कैलकुलेशन आ जाता है। अगर हम आगे बात करें इसके कैलकुलेशन की, तो ब्रिक ब्रिक जो आपकी लग रही है कितने स्क्वायर सेंटीमीटर से लगेगी, और ऑप्शन नॉट मोर देन 25% फाउंडेशन एंड प्लिंथ, आप यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं जो भी आपकी कमिंग कंडीशन है फ्रेंड्स। सीमेंट मोर्टार हमारा 1:8 का लगेगा, सेंट लगेगी हमारी इतना, और 9 इंच थिक रहेगी हमारी, 4.5 इंच थिक रहेगी, तो 9 इंच जो हमारी वॉल रहेगी वो रहेगी 20.72, उसकी लेंथ विड्थ डेप्थ हाइट से ये आ गया हमारा, और 4.5 थिक की जो रहेगी हमारी वो यहाँ पर आ गया। हम दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं अलग अलग लिखने के बाद, तो उसका जो हमारा एग्जैक्ट अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाता है। इससे आगे चलते हैं तो आरसीसी की जो हम लेयर प्रोवाइड करते हैं, मैं पूरा आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ये वहां से जाके पढ़ सकते हैं, अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। यहाँ से आरसीसी के लिए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आरसीसी वर्क में हमारा सुपर स्ट्रक्चर हाइट, उसकी प्लिंथ लेवल, फुटिंग, कॉलम, प्लिंथ बीम, स्लैब बीम और स्लैब, ये सभी देखिए आप ध्यान से यहाँ पर आ चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइट, यहाँ से देखें तो कॉलम, प्लिंथ बीम, स्लैब सभी का हमने एक साथ ले लिया क्योंकि सभी हमारा ये आरसीसी वर्क है, और ये आरसीसी वर्क यहाँ से हो जाता हमारा। तो इन टोटल हम कर लेते हैं, उसका जो अमाउंट आता है वहां से अमाउंट हम कैलकुलेट करके हमारा एक आ जाएगा क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एक रेट में, तो हमारी अमाउंट आ जा रही है। आगे हम सेकंड पे चलते हैं कि हमारा जो आरसीसी वर्क है जिसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें वाइंडिंग वायर आएगा आपका, कटिंग रहेगी, रेनफोर्समेंट रहेगी, तो उसका हम यहाँ पर किलो से लेके उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं सीधे हम प्लास्टर के लिए, तो प्लास्टर हो जाता हमारा 1:6 का, इसमें 12 mm ठीक रहेगा, और ये 1:4 का, ये दोनों का हम रोलिंग शटर यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उसका हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके और ये अमाउंट ले आए। मैं बार बार आपको पूरी डिजिट और अमाउंट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन पे हम करेंगे तो ये तो आप समझ ही जाओगे, सिर्फ आपको आइडिया चाहिए, तो उस आइडिया के लिए हम ये जनरल तौर पे देख ले रहे हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको ये सीट की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये सीट जो है सेम टू सेम आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या तो मेल से या तो फिर उसके लिए जैसा भी हो, तो आप मुझे इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर आगे कि प्रोवाइड फिक्सिंग इन पोजिशन, मार्बल से स्टोन वगैरह बहुत सारी जो बाकी चीजें होती है उनके लिए हमारी यहाँ पे अमाउंट, तो हम उन सभी चीजों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप से पूरा लिख देते हैं कि ये चीजें हमारी जो हैं यहाँ पर आ रही है, और उनका हम यहाँ पर स्क्वायर मीटर में टोटल क्वांटिटी लिख के, यहाँ पर हम सिर्फ क्वांटिटी लिख रहे हैं ये चीज ध्यान रखना आपको, और टोटल हम क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ पर कैलकुलेट करके अमाउंट आ जा रही है हमारी। अब पेंटिंग की बात आई, हम काम से आगे बढ़ चुके हैं, इंटरनल पेंटिंग, एक्सटर्नल पेंटिंग और पॉलिशिंग सेटअप, और इनमें अलग अलग कोट रहते हैं, 2 कोट 3 कोट, तो वो कोट के हिसाब से हम करते हैं। तो हमारा इंटरनल पेंटिंग की ये 10.59, एक्सटर्नल की 82.5, और पॉलिशिंग का हमने यहाँ पर लमसम ले लिया है, तो ये क्वांटिटी का रेट का हमारा ये अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। अब हम यहाँ से आगे आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेम फर्स्ट फ्लोर पे हमारा आएगा ब्रिक वर्क, उसके बाद सेकंड में आरसीसी, ये हम ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। उसके बाद सेम हमारा चलेगा, ये आप अमाउंट पे देख सकते हैं, प्लास्टर वर्क, और आगे सेम सभी चीज प्लास्टर के बाद हमारा ये फिक्स
प्रोवाइडिंग फिक्स पोजीशन और ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब बेसिक और विशेष चीज ये है, हमारा यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर खत्म हो गया, हमने फर्स्ट फ्लोर तक का लिए थे, अब हमें टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिख देना है। हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 1026827, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो अमाउंट है 1026827 यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ पर करते हैं एक्स्ट्रा फॉर वाटर सप्लाई, सैनिटरी, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम अलग से यहाँ पर जोड़ते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा जो है टावर, पैरापेट वॉल, बाउंड्री वॉल और जो भी हमारा उसके लिए हम यहाँ पे अलग से जोड़ते हैं, पीओपी वर्क के लिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं अलग से, आलमारी वगैरह अलमीरा के लिए हम जोड़ते हैं यहाँ से अलग से, और एक्स्ट्रा एलिवेशन मटेरियल्स वगैरह के लिए हम अलग से जोड़ते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम अलग से और क्या क्या लग रहा है वो जोड़ सकते हैं अगर आपने अंदर नहीं किए कैलकुलेशन में, तो उस हिसाब से हमारा आ जाता है 1,403,000 रुपीज ये हमारा टोटल। हम तो इसको राउंड फिगर में कर देते हैं, हमने वाले को बताने के लिए कि हमारा ये 1,430,000 हमारा एक्सेक्ट अमाउंट आ रहा है। फ्रेंड्स ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।